इस रेमेडीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती लेना है। चाय की पत्ती के फायदे की बात करें तो हमारे हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और प्लस स्कैल्प की सफाई करता है और हमारे बालों में अच्छा कलर भी मिलता है और जो बाल डैमेज होते हैं उसको भी काफ़ी हद तक ये रिपेयर करती है। तो हमें 2 से 3 चम्मच पानी के अंदर से ऐड करना है और हमें किस में ऐड करना है, स्टील के बर्तन के अंदर निकालना है पानी और उसके अंदर 2 से 3 चम्मच हमें चाय की पत्ती को ऐड करना है और उसे अच्छे से पकाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाए। जब ये ठंडा हो तब इसे ठंडा होने के बाद इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब हमें लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों को अच्छा हेल्दी रखने के लिए, ये थोड़ा ग्रीसी होता है लेकिन बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसके अंदर ऐड करना है 2 से 3 चम्मच। दोनों को मिक्स करना है अच्छे से। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तब आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हो इस रेमेडीज के अंदर, वरना आप लेमन को स्किप भी कर सकते हो। तो इसे ऐड करने के बाद मिक्स करना है और इसे ठंडा करना है। जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब इसको इस्तेमाल करना है। अब बात करें दोस्तों इसको इस्तेमाल करने की, तो हमें सबसे पहले शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो पूरे बालों पर इसे वॉश करने के लिए, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको नीचे मुंडी रख के बालों को वॉश करना है ताकि आपके बालों में से जो भी ये रिंस होगा ये वॉश होगा सीधा नीचे चले जाएंगे, वरना अगर आप डायरेक्ट डाल दो तो आपके पूरे शरीर में ये पानी चले जाएगा। तो आपको मुंडा नीचा करके आपको उससे वॉश करना है और आप बाद में कंडीशनर भी कर सकते हो। इससे आपके बालों में काफ़ी अच्छा कलर मिलेगा, बालों में अच्छा टेक्सचर बनेगा और जिन लोगों के डेंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी रिमूव होगी और हेयर ग्रोथ बढ़ेगा और बालों में जाड़ापन आएगा और प्लस बालों की जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी। आप इसको यूज़ वीक में 2 बार कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।